मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अनमोल भारत लाइव में। आजकल जहां पे ऑनलाइन बैंक से लेन देन, ग्रामीण लोग जो सिर्फ बैंक से ही लेन देन करते हैं, और वही ग्रामीण बैंक के कर्मचारी जब आंदोलन में बैठ जाएं, काम को छोड़ दें, क्या होता है? ऐसी क्या वजह हुई जो ग्रामीण बैंक के कर्मचारी ऑल यूपी जो इस समय आंदोलन में बैठे हैं, आइए जानते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं, बातचीत करते हैं, क्या ऐसी वजह रही कि वो इस समय आंदोलन में बैठे हैं, और क्या उनकी समस्या है और क्या वो समाधान चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं? मैं सगुण शुक्ला, मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। क्या ऐसी वजह हो गई जो आप लोगों को आज काम छोड़ के यहाँ अनशन पे बैठना पड़ा? ये वजह बहुत बड़ी है, और ये नौकरियों में भर्ती का मामला है। लगभग पिछले 3 वर्षों से हमारी बैंक में कोई भर्ती नहीं हो रही है, और ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रामीण बैंक है, ये भारत की जितनी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की RRB हैं उनमें सामने ये दिक्कत आ गई है। भारत सरकार ने जबकि एक नीति दे रखी है जिसके आधार पर वैकेंसी निकाली जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 3 वर्षों से एक भी वैकेंसी इस बैंक में नहीं निकाली जा रही है। क्योंकि वो नीति हम लोगों के सामने भी है, तो हम लोगों ने जो निकाल के रखा है, लगभग हर बैंक में 2000 से 3000 वैकेंसी हमारे इस बड़ौदा यूपी बैंक और बड़ौदा राजस्थान में शामिल है। उसे उम्मीद थी कि इस बार वैकेंसी निकाली जाएंगी, ये आश्वासन भी दिए गए थे डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ जब मार्च में बातचीत हुई थी, लेकिन लगभग वो आश्वासन इतने बड़े अधिकारियों के द्वारा एक झूठा निकला, और जब विज्ञापन बैंकिंग भर्ती का आया तो फिर से बड़ौदा यूपी बैंक, बड़ौदा राजस्थान, बड़ौदा गुजरात में कोई वैकेंसी नहीं दी गई। आपको आश्चर्य होगा कि इन 3 साल में 50,000 करोड़ से ज़्यादा व्यवसाय बढ़ना, लगभग 1.5 करोड़ कस्टमरों का बढ़ना, लगभग 2500 से 3000 लोगों का रिटायर हो जाना, लगभग 100-200 लोगों की डेथ हो जाना, इसके बावजूद भी एक भी भर्ती न करना। आप 2000 ब्रांचेज हमारी, लगभग आप 1300-1400 ब्रांचेज राजस्थान में, और 400-500 ब्रांचेज जो हमारी गुजरात में है, आप उन ब्रांचेज का दौड़ा करके तो देखिए, ऐसा लगता है साजिशन इन बैंकों को प्राइवेट करने के लिए इतना मनोबल इन कर्मचारियों का कमज़ोर किया जा रहा है कि एक दिन पब्लिक ही कहने लगे कि ये बैंक बंद कर दो। ऐसी स्थिति में, जबकि ये भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण बैंक है और इसका अपना 47 वर्षों का एक स्वर्णिम इतिहास है, तो इसीलिए 2 दिन की हड़ताल इस समय सभी 3ों RRBs में चल रही है। और अगर नहीं मानते हैं तो मैं अगला आपका जो क्वेश्चन है वो हमने स्पष्ट नोटिस में दे रखा है कि 15 जुलाई तक अगर विज्ञापन वाले उसमें इन 3ों RRB की वैकेंसी ऐड नहीं की जाती है, जो नियमता मित्र कमेटी के अनुसार हों, न्यूनतम कम से कम 2000 वैकेंसी तो बनती ही बनती है, हक बनता है, जो रिटायर हो गए लोग वो अगर नहीं दी जाएंगी तो इनडेफिनेट स्ट्राइक एक इतिहास यहाँ पर रचा जाएगा, और हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग इसको स्वीकार करने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। लोग इतना बीमार हैं, लोगों के सामने इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और कस्टमर अलग, उसको जब सर्विस नहीं मिल पाती है स्टाफ कम होने की वजह से, तो वो तमाम तरीके की अभद्रताएँ और नाराजगी व्यक्त करता है, और काम न हो पाने पर प्रबंधन जो ये स्पॉन्सर्ड बैंक से आए हुए अधिकारी हैं, ये बिल्कुल जानवरों की तरह व्यवहार हमारे स्टाफ के साथ करते हैं। इस समस्या के चलते हुए क्या आप बैंक कर्मचारियों को और आने वाले कस्टमरों को क्या ऐसी दिक्कतें यार, मतलब क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो उसका समाधान? भाई देखिए, अब आज की डेट में हर व्यक्ति को बैंक की जरूरत होती है। हमारी ये बैंक चूँकि ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इवन कोई भी हिंदुस्तान के अंदर 100 साल पुरानी बैंकें भी ग्रामीण भारत में हमसे कंपटीशन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जो कस्टमर रोज 100, 200, 300 की संख्या में आ रहे हैं, जो अपनी विभिन्न तमाम आवश्यकताओं को लेकर आते हैं, तो जो काउंटर्स होते हैं, जब उन काउंटर्स में आदमी ही नहीं है, उनमें कहीं इस ब्रांच में भेज दिया, कहीं उस ब्रांच में भेज दिया, स्वाभाविक है कभी किसी को छुट्टी लेनी पड़ेगी, कोई बीमार होगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो कस्टमरों के अंदर बढ़ रहा है, उन्हें तो पता नहीं है कि क्या साजिश हो रही है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, भर्तियां तो इसी समाज के लोगों की होनी है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, कहाँ चला गया? जो न्यूनतम रूप से नियमता जो इस देश के अंदर पालन हो रहा था, वो भी तो न्यूनतम पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए समाज और स्टाफ के भी परिवार हैं,
आज इस बैंक के अंदर 8000 सब जो स्टाफ काम कर रहा है उसका भी परिवार है, वो भी इसी समाज का अंग है, वो भी अपने इन्हीं बच्चों के भरोसे अपने जीवन को आर्थिक प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। इन सब के ऊपर हमला किया जा रहा है। मतलब कि काम ज़्यादा स्टाफ कम? बहुत ज़्यादा है। आप किसी एक ब्रांच में एक दिन में बैठ कर तो देखिए कि काम की डिफरेंट कितना है और उन काम को करने के लोग उपलब्ध कितने हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से बैंकों में काम ज़्यादा है और स्टाफ कम है और उनकी डिमांड है कि किसी भी तरीके से स्टाफ को पूरा किया जाए और तभी ही हम अनशन छोड़ेंगे और नहीं तो लगातार हम अनशन में बने रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं प्रदीप मिश्रा कैमरामैन मनीष जी के साथ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सम्मान कराओ, सम्मान कराओ, सम्मान कराओ।